हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रिएट करेंगे दिस ब्यूटीफुल सा कॉपर ब्राउन मेकअप लुक विद दिस स्मॉल छोटे से मिनी मेकअप जस्ट लाइक दिस। यू कैन सी हाउ क्यूट द पैकेजिंग इज, कितना ज़्यादा क्यूट है ये। बिल्कुल छोटे छोटे से मेकअप है और आज हम इससे अपना फुल फेस मेकअप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं करूँगी अपने फेस को हाइड्रेट और उसके लिए मैं ले रही हूँ ये गर्लिन की ऑर्चिड इम्पल फेस क्रीम। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है तो चलिए इसे साथ। ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी है इसकी। ऑयली स्किन के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा जेल बेस भी नहीं है, बट इट्स रियली नाइस क्रीम। नाइस, थोड़ी सी फ्रेग्रेंस भी है इसमें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप डेफिनेटली इसे स्किप कर सकते हैं, बट काफ़ी अच्छी हाइड्रेटिंग क्रीम है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं इसे अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरा जो अंडर आई एरिया है वो ड्राई है और कुछ भी फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद वहाँ पे ड्राई पैचेस आ जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रीम अप्लाई करूँगी। लिप्स के लिए मैंने लिया है ये टू फेस का लिप इंजेक्शन। ये लिप इंजेक्शन बहुत अच्छे से आपकी लिप्स को हाइड्रेट कर देता है गाइस। ऑल राइट, 10 मिनट हो चुके हैं और जो क्रीम है वो अच्छे से मेरे फेस पे सेट हो गई है। अब हम मूव करते हैं मेकअप की तरफ। प्राइमर के लिए लिया है मैंने ये बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर। लुक एट हाउ क्यूट इट इज़। सी, ये मेरे पिंकी फिंगर के बराबर है। बहुत ज़्यादा छोटू से और बहुत ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग है। इस तरीके के छोटे छोटे गिफ्ट्स गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ एज ए गिफ्ट ही मिल सकते हैं नायका की तरफ से, क्योंकि इतने छोटे छोटे से पैकिंग्स अवेलेबल नहीं है तो आप चाह के भी इन्हें परचेज नहीं कर सकते। ये बेनिफिट का पर्ल प्राइमर है। इसमें हल्की सी ल्यूमिनिसिटी मुझे नज़र आ रही है गाइस। पिंक बेस्ड है, पर्ल बेस्ड प्राइमर है इसका नाम। नहीं, ये इल्यूमिनेट नहीं है, ये मैट प्राइमर ही है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो मैं इसे अपने टीज़ोन एरिया पे ही अप्लाई करूँगी। इसने मेरे फेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया है गाइस। बहुत ज़्यादा स्मूथ कैनवस है और इसने मेरे जो पोर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से फिल इन कर दिया है, तो आप डेफिनेटली इस प्राइमर को एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पोर्स हैं और आपकी ऑयली स्किन है तो। राइट, अब हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे गाइस। फाउंडेशन के लिए मेरे पास है ये एस्टी लॉडर का डबल वेयर फाउंडेशन। इसे मेरा शेड है 3W1 टॉनी। फाउंडेशन को निकालने के लिए मैं ये छोटी सी पैलेट यूज़ करूँगी। ये है नेल आर्ट एंड मिनी मेकअप मिक्सिंग पैलेट। सी, कितनी क्यूट है ना छोटी सी पैलेट, तो आज मैं इसे यूज़ करूँगी अपने फाउंडेशन को निकालने के लिए। ब्लेंडिंग के लिए मैं पैक एक्स जोविता का ये फाउंडेशन ब्रश यूज़ करूँगी। ये ब्रश सेट बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप चाहे तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइज, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये फाउंडेशन जो है मेरे स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर में मेरे फेस पे अच्छे से सेटल हो जाएगा और बिल्कुल मेरी स्किन टोन का हो जाएगा। मेरे पास मिनी कंसीलर नहीं है तो हम इस फाउंडेशन को ही एज ए कंसीलर अप्लाई करेंगे। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है गाइज, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं एज ए कंसीलर भी, बट मेक श्योर आप उसे अच्छे से सेट कर लें। मैं इसे अपनी आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी, जस्ट टू प्रेप देम फॉर आई शेडो, और इसे अपने बाकी स्पॉट्स पे भी नियर माय माउथ एंड जस्ट टू हाईलाइट माय नोज एंड माय फोरहेड। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं पैक का 219 कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट कंसीलर ब्रश गाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है और बिल्कुल फुल कवरेज देता है। आपको कंसीलर हमेशा ऐसे टैप टैप करके ही अप्लाई करना है, उसे ऐसे स्ट्रीक्स में अप्लाई नहीं करना है, तो जो कंसीलर है वो अपनी जगह से मूव कर जाएगा और आपको जो कवरेज है वो नहीं मिलेगी। एज यू कैन सी, इस फाउंडेशन से ही मेरी आई कितने अच्छे से कवर हो गई है, तो आप डेफिनेटली इस फाउंडेशन को एज ए कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं।
को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव. दिस इज शाली टिलबरी मिनी एयरब्रश फ्लॉलेस पाउडर. जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, हाउ क्यूट इट इज. ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला था क्योंकि ऑफकोर्स इतनी छोटी पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है. इसका जो सी, इसमें छोटा सा मिरर भी है विच इज़ रियली रियली कन्वीनियंट. और इसमें आपको छोटा सा ये पाउडर भी मिल जाता है. इसकी क्वांटिटी है आई थिंक 0.8 ग्राम इसमें क्वांटिटी है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ना. इसको तो मैं कभी भी थ्रो नहीं करने वाली, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगी क्योंकि इतनी छोटी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं. आप चाहो भी तो उन्हें परचेज नहीं कर सकते. तो इससे मैं अपने सबसे पहले अंडर आई एरिया को सेट करूँगी. आज मैं यही ब्रश यूज़ करूँगी गाइस अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए क्योंकि ऑफ कोर्स इतने छोटे से पाउडर के लिए मैं बड़ा फ्लफी ब्रश नहीं ले सकती. तो मैं इसी ब्रश से अपना पूरा फेस सेट करूँगी. मेरी ऑयली स्किन है गाइस, तो मैं अपना पूरा फेस सेट करूँगी. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपना सिर्फ टी जोन एरिया सेट कीजिए एंड गुड टू गो. दिस पाउडर इज रियली गुड यार. यू कैन सी इसने मेरा जो बेस है वो कितना ज़्यादा स्मूथ बना दिया है. और इसने बेस को सेट तो बहुत ही अच्छे से किया है, बिल्कुल ब्लर कर दिया है. यू कैन सी कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है. इतना स्मूथ था जब मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था तब भी नहीं था. मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुना का मिनी ब्रॉन्ज़र. ये सबसे इजी ट्रिक है गाइस, अगर आपको अपनी नोज कंट्रोल करनी है तो ब्रश को इस तरीके से पीछे कीजिए और जो भी इसमें लेफ्ट प्रोडक्ट है उससे अपनी नोज पे अप्लाई कीजिए. एक्स्ट्रा ब्रश की मत कीजिए, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. और इसी सेम ब्रश से थोड़ा सा अपनी हेयरलाइन के लिए अप्लाई करेंगे जस्ट टू टाइप एंडिंग. आई सबसे पहले हम आईब्रो को फिलअप करेंगे. ये मेबलिन न्यूयॉर्क की फैशन ब्राउ क्रीम पेंसिल. मेरे पास कभी मिनी आईब्रो पेंसिल नहीं है तो मैं इससे काम चलाऊँगी. You can see my eyebrows already काफ़ी thick है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन शेप में अप करने की ज़रूरत नहीं है. मैं बस जो थोड़े बहुत गैप्स हैं उन्हें फिल अप करूँगी. ये पेंसिल बहुत ही अच्छी है गाइस, पर साथ साथ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है. तो आप एक अफोर्डेबल पेंसिल होते हैं तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं. बट इसका एक ही ड्रॉबैक है, इसमें आपको स्कूलिंग नहीं मिलती, तो आपको स्कूलिंग अलग से बाय करनी पड़ेगी. के लिए मैं यूज़ करूँगी ये स्मैश बॉक्स के कवर शॉट आई शेडो पैलेट. इसमें मेरा वेरिएंट है अ रेनबो ऑफ रोज गोल्ड. फर्स्टली लुक एट द पैकेजिंग गाइस, सी कितनी ज़्यादा सुंदर पैकेजिंग है. और इसके जो शेड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं. मैं आपको इसके शेड्स दिखा देती हूँ. इसमें आपको दो हाईलाइटर्स मिल जाते हैं और दो ये वाले इतने सारे आई शेडो के शेड्स मिल जाते हैं. जस्ट लुक एट दिस बर्न ऑरेंज शेड एंड दिस डार्क ब्राउन. मैं आपको इसके कुछ स्वॉचेस दिखा देती हूँ. This orange one and the dark brown. Ooh, dark brown बहुत ज़्यादा बटरी है गाइस. यू कैन सी द पिगमेंटेशन गाइस. और ये जो शेड्स है वो कितने ज़्यादा मेटेलिक है. सी इनमें कितनी ज़्यादा प्यारी सी शीन है. पहले इसका मैं ये लाइट सा बेजिश सा शेड पिक करूँगी और इसे अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी. इसे मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी गाइस. मैं ये डार्क ब्राउन कलर पिक करूंगी और इसे अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी. दिस कलर इज रियली रियली पिगमेंटेड गाइस, सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस.
इसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे ही अप्लाई करूँगी। और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं छोटे छोटे गोल में स्ट्रोक्स अप्लाई कर रही हूँ। आपको कोई भी आई शेडो अगर अच्छे से ब्लेंड करना है ना गाइस, आप सर्कुलर मोशन में ही उसे ब्लेंड कीजिए। सर्कुलर मोशन में जो कलर्स है वो बहुत अच्छे से मर्ज हो जाते हैं और बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड होते हैं। सी, ये जो कलर है ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। नाउ आई एम जस्ट ब्लेंडिंग माई क्रीज विद द सेम बेज कलर। मैं ये कॉपर शेड अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर। वाओ, कलर इज सो प्रिटी। मैं एक अब एंगुलर ब्रश ले रही हूँ, उसकी हेल्प से मैं ये लाइट शेड पिक करूंगी। अब इस शेड को मैं यहाँ ऊपर अप्लाई करूँगी, जस्ट टू लाइन दिस एरिया। इससे ये क्लीन भी हो जाएगा और यहाँ पे हल्की सी लाइट भी आ जाएगी। सी, सेम छोटा सा फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और इस डार्क ब्राउन कलर को पिक करूँगी बहुत ही हल्के हाथ से। बहुत ज़्यादा कलर हमें पिक नहीं करना है और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमारे दोनों कलर्स मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में ब्लेंड करेंगे ताकि जो हार्श लाइन है वो नज़र ना आए और आई शेडो बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। लोअर लैश लाइन के लिए भी मैं सेम डार्क ब्राउन कलर पिक करूँगी और इसे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। बहुत ही ज़्यादा क्लोज अप्लाई करूँगी गाइस, बहुत ज़्यादा हार्श आपको अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये जो कलर है ये बहुत ज़्यादा डार्क है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक बार में अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो आईज है वो पांडा आईज बन जाएंगी। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं यही सेम लाइट शेड पिक करूंगी और इससे अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी। इसी सेम कलर को हम अपनी ब्राउन भी अप्लाई करेंगे। इस शेड को मैंने थोड़ा सा अपने इनर हाफ पे भी अप्लाई किया है गाइस, इससे मेरी आईज जो है बहुत ज़्यादा ओपन अप लगेंगी और यहाँ पर थोड़ी सी लाइटनिंग भी आ जाएगी। आईलिड्स आर डन, अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैंने लिया है ये मेबलिन का क्लोसल बोल्ट आईलाइनर। दिस इज़ माय फेवरेट आईलाइनर गाइस, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। बिल्कुल जेट ब्लैक है और एक ही बार में आपको बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है। बहुत अच्छी पिगमेंटेशन भी है इसकी। मुझे और ज़्यादा आईलाइनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने एक बार में ही बहुत अच्छे से मेरा आईलाइनर जो है वो अप्लाई कर दिया। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी ये एस्टेल ऑर्डर का मिनी मस्कारा। लुक एट दिस ह्यूज एप्लीकेटर गाइस, ये बहुत अच्छे से मेरी आईलैशेस को कर्ल कर देता है। ये बहुत अच्छे से मेरे आईलैशेस को कर्ल कर देता है। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का मिनी ब्लश। इस ब्लश को मैं ऐसे अपर स्ट्रोक में अप्लाई करूँगी गाइस, यहाँ पे चीक्स पे बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मेरा गोल फेस है और यहाँ पे अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा गोल हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा अपर साइड पर अप्लाई करूँगी जस्ट टू लिफ्ट इट अप। इससे मेरा जो फेस है वो लिफ्ट आउट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्लिम सा, ट्रिम सा, शार्पन सा फेस लगेगा, तो इसलिए मैं इसे अपर स्ट्रोक में अप्लाई करूंगी। यूज करूंगी ये बेका का मिनी हाइलाइटर। इसमें मेरा शेड है शैम्पेन पॉप, फेमस बेका हाइलाइटर। इसे मैं अपने चीक बोन्स पे और अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करूंगी, बेसिकली जो मेरे हाइलाइटेड एरियाज हैं, थोड़ा सा अपने ब्राउ बोन पे भी।
ये हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस, बिल्कुल फाइनली मिल्ड है, बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। बट द सैड पार्ट इज़ कि बैका जो है वो नायका पे क्लोज हो चुका है, तो आप इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपको इसका ड्यूप ट्राई करना है तो आप बाम कॉस्मेटिक का मेरे ल्यूमिनाइजर ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो आप सेल टाइम में उसे डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं, वो 30 to 40% ऑफ में आपको आराम से मिल जाएगा। मैं यूज़ करूँगी ये कॉम्बो एंड लुक एट दिस मिनी लिपस्टिक, ये है शार्लेट टिल्बरी की मिनी लिपस्टिक, स्मॉलर देन माई पिंकी फिंगर है। इसमें जो मेरा शेड है वो है वेरी विक्टोरिया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा शेड है। और लिप लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का लिप लाइनर, इसमें मेरा शेड है फेम। तो ये डार्क ब्राउन लिप लाइनर है, तो इसमें मैं अपने पहले लिप्स को आउटलाइन करूँगी, उसके बाद मैं इसे फिल इन करूँगी मेरी शार्लेट टिल्बरी लिपस्टिक। लास्ट एंड फाइनल स्टेप टू सेट एवरीथिंग आई एम यूजिंग दिस मिनी मैक्स फिट प्लस। या गाइस दिस इज माय फाइनल लुक विद माय छोटू छोटू सा मिनी मेकअप। होप यू गाइस एंजॉय दिस। इफ यू डिड देन प्लीज हिट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।